हेलो स्टूडेंट्स, हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और हमने यहाँ पे एक क्लास पहले बना ली है। आज सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास का मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया है डे टू। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे, एक तो भिन्न संख्याएं पढ़ेंगे। हम अभी क्या है कि छोटी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, फिर हम प्रतिशत शुरू करेंगे। उससे पहले हम इनको जान लेते हैं कि किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है संख्याओं को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम भिन्न पढ़ेंगे। भिन्न के अंदर हम इनका जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। जैसे कि ये एक जोड़ दे रखा है हमें, ये भिन्न संख्याओं, इस तरह की संख्याएँ। दशमलव के अंदर जैसे कि गुणा आ गया तो पॉइंट कहाँ पर लगेगा, और जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे कैसे, गुणा, भाग, ये चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। दूसरा मिश्र भिन्न, जैसे ये भिन्न है वैसे ये मिश्र भिन्न होता है। इसमें थोड़ा सा अंतर है कि जैसे यहाँ पे दो आगे लिखा हुआ है, दो से एक बटेवा तीन, एक से एक बटेवा दो, इस तरह की जो संख्याएँ होती हैं उनको हम यहाँ पर समझेंगे। फिर हम सीखेंगे यहाँ पर घात, कि घात वाले क्वेश्चनों को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। कई सारे क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे आज हम, घात और बोर्ड मास दोनों को मिलाकर हम आज कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में भी हम बोर्ड मास को सीखेंगे, फिर उसका आगे हम प्रतिशत शुरू करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं यहाँ पे दशमलव से शुरू करते हैं, फिर भिन्न और मिश्र भिन्न को एक साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम दशमलव संख्याओं को समझेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे दशमलव को सीखेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे गुणा सीखते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे गुणा से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे गुणा। तो सबसे पहले हम यही ले लेते हैं यहाँ पे 0.25, 0.5, यहाँ पे 0.5, इसको गुणा करना है हमें 2.5 से। अगर हम इन दोनों को गुणा करना है तो हम इसको वैसे ही गुणा करेंगे जैसे हम नॉर्मल गुणा करते हैं, यानी कि 25 को हमें 5 से गुणा करना है, जैसे हम गुणा करते थे वैसे ही गुणा करना है। 25 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 125 आ जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी 125 ही होगा। किंतु इसमें पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट कैसे लगाएंगे, तो हम यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं उनको गिनेंगे यहाँ पे, यानी कि पॉइंट के इधर हमारे पास कितनी संख्या है, यहाँ पे केवल एक संख्या है। इस पॉइंट के भी यहाँ पे कितनी संख्या है, पॉइंट के इस साइड में देखना है हमें, पॉइंट के दाएँ ओर देखना है। तो यहाँ पर हमें देखो एक और दो, कितनी संख्याएँ मिली, दो संख्याएँ मिली हैं। तो यहाँ पर दो संख्याएँ हमें गिनना है, एक और दो, पीछे से दो संख्याएँ गिनेंगे और हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो इन दोनों को गुणा करने पर क्या आएगा, 0.25, यानी कि 1.25 हमारे पास यहाँ पे आएगा। इसी तरह से और भी हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि दो पॉइंट एक है, इसको हम गुणा कर लेते हैं 1.1 से, 1. या फिर हम 11 से गुणा कर लेते हैं सीधा। हमने इसको 11 से गुणा कर दिया। हमने क्या किया, 2.1 को हमने 11 से गुणा करना है। तो 11 से कैसे गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद हमें क्या मिलेगा पहले तो वो देखते हैं। तो इन दोनों को आप 11 को और 21 को गुणा करोगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो जो भी आएगा यहाँ पे। तो इनको क्या है कि गुणा जब हम करेंगे तो गुणा करने के बाद हमारे पास आएगा 231 आ जाएगा। अब हमें पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट कैसे लगाएंगे, हमें यहाँ पर देखो इसके अंदर तो कोई पॉइंट नहीं है तो इसको छोड़ दो, इस संख्या में पॉइंट लगा हुआ है। तो पॉइंट के इस साइड कितनी संख्या है, यहाँ पर पॉइंट है, दशमलव लगा हुआ है यहाँ पे, तो दशमलव के इधर एक संख्या है तो हम एक संख्या छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। जो 21 और 11 को जैसे हमने गुणा किया वैसे गुणा करके हमें केवल पॉइंट लगाना था। तो इस तरह से हम और भी गुणा कर सकते हैं। तो ये तो है गुणा करने का तरीका। एक और देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे हमें 5 को गुणा करना है 0.001 से, 5 को हमें गुणा करना है 0.001 से। तो इसको गुणा करेंगे तो आप देख सकते हो 5 को हमें केवल 1 से गुणा करना है। तो मैंने यहाँ पे 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, तो मैंने 5 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो इसमें तो कोई पॉइंट नहीं है तो इसको छोड़ दो, यहाँ पे कितने पॉइंट है, एक पॉइंट के इधर की कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 3 संख्याएं हैं जो पॉइंट के साइड में, पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो पॉइंट के इस साइड में कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं। तो 3 संख्याएं छोड़ के हमें पॉइंट लगाना, तो एक संख्या तो ये हो जाएगी, फिर एक संख्या और यहाँ पे आनी चाहिए, एक संख्या और आनी चाहिए, और फिर यहाँ पे पॉइंट लगाना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लगाएंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे, 0.005 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हम इनको गुणा कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम यहाँ पर भाग देना सीखते हैं कि भाग कैसे देंगे। तो पहले मैं इनको मिटा देता हूँ यहाँ पर। भाग देना देखते हैं कि भाग कैसे देना हमें। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम 20 है, 20 के अंदर हम 0.5 का भाग दें,
0.5 का, 20 में हमें भाग देना है 0.5 का। तो भाग देने का तरीका है, जैसे हम पहले भाग देते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे भाग देना, यानी कि हमें 20 के अंदर 5 का भाग देना है। वैसे जैसे हम पहले भाग देते थे वैसे देना, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट को भूल जाना है। तो 20 के अंदर भाग देना है हमें, तो यहाँ पर सीधा हमें भाग दे देना है। या आप ऐसा कर सकते हो, इस पॉइंट को यहाँ से हटा सकते हो, पॉइंट को हटाकर करना और भी ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे हम पॉइंट को हटाकर बता देता हूँ मैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पॉइंट देखना है कि पॉइंट कहाँ पे लगा हुआ है। पॉइंट नीचे लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे दशमलव यहाँ पे कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये जो दशमलव है इसको हमें हटाना है। तो दशमलव के इस साइड में कितनी संख्या है हमें वो गिनना है। तो इस साइड में हमें यहाँ पे देखो एक संख्या है, यहाँ पे दशमलव के इस साइड में दाएं तरफ क्या है, एक संख्या है। तो हमें ऊपर एक जीरो लगाना पड़ेगा, ऊपर एक जीरो लगाएंगे, यहाँ पे आगे कर देता हूँ मैं इसके आगे। तो इस पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पे केवल 5 बच जाएगा और यहाँ पे ऊपर एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि दशमलव के इस साइड में कितनी संख्या थी, एक संख्या थी। तो ये हो जाएगा 200/5। अब 200 में 5 का भाग देना तो आपको आता है। फिर इसी तरह से हम और भी संख्याएँ देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 20.5 है, यहाँ पे 20.5 है, इसके अंदर हमें भाग देना है 3.04 का। 20.5 में हमें भाग देना है 3.04 का। तो ये भाग कैसे होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले और ऊपर वाले दोनों पॉइंटों को हमें हटाना है। यहाँ पे तो पॉइंट केवल एक ही जगह पे था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पॉइंट के इस साइड में कितनी संख्या है पहले हम ये देख लेते हैं। पॉइंट के इस साइड में ऊपर तो कितनी संख्या है, एक संख्या है, ऊपर तो एक है और नीचे कितनी है, नीचे दो संख्याएं हैं। तो हम उल्टा लगाते हैं, जैसे पॉइंट नीचे था ना तो हमने कहाँ पे लगाया, ऊपर जीरो लगाया, वैसे यहाँ पे करना। यहाँ पे दशमलव है तो इसका जीरो कहाँ पे आएगा, नीचे, और यहाँ जो दशमलव है इसका जीरो कहाँ पे लगेगा, ऊपर। तो यहाँ पे देखो 205 तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे और नीचे 304 लिख देंगे हम। अब हमें पॉइंट हटाया, यहाँ पे ऊपर का पॉइंट हटाया, ऊपर का पॉइंट हटाने के लिए हमने क्या देखा, इस साइड में एक संख्या हमारे पास तो नीचे एक जीरो लगेगा, और इधर जो हमने पॉइंट हटाया नीचे वाला तो इस साइड कितनी संख्या आई थी, दो संख्या आई थी। तो यहाँ पे ऊपर कितना जीरो लगेगा, दो जीरो, तो दो जीरो ऊपर लगाएंगे, इस तरह से हम लगाते हैं ना। तो यहाँ से आप एक जीरो से एक जीरो को काट सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 205 और आगे एक जीरो और फिर यहाँ पे 304 इस तरह से। अब इस ये भाग तो आसानी से भाग दे सकते हैं, इसको तो भाग देने वाला बन गया है, बस केवल पॉइंट हटाना मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दशमलव सीख रहे हैं। तो इस तरह से हम पॉइंट को हटा सकते हैं। एक और देखते हैं, एक उदाहरण और, 102.3 और यहाँ पे 4 लिखा हुआ, 102.3, इसमें हमें 4 का भाग देना। तो भाग देने का तरीका वही रहेगा, हमें सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट हटाना है। तो पॉइंट हटाना है, ऊपर का पॉइंट हटाना है तो जीरो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। कितनी जीरो आएंगे, तो यहाँ पे देखो कितनी संख्या है, एक संख्या है पॉइंट की दाएं तरफ, तो यहाँ पे 102 और ये पॉइंट हटा के 3 को ऐसे कैसे लिख देंगे और नीचे 4 और एक जीरो और बढ़ा देंगे, क्योंकि ये पॉइंट हमने हटा दिया तो नीचे आएगा जीरो, क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जीरो आता है, नीचे वाला पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर जीरो आता है। एक साथ दोनों जगहों पे भी पॉइंट आ सकता है, यानी कि दशमलव आ सकता है। तो हमें इस तरह से करना है, तो इस तरह से हम भाग दे सकते हैं। अब एक तरीका और देख लेते हैं, एक तो ये तो है पॉइंट हटाने का, यानी कि दशमलव को किस तरह से हटाते हैं, लेकिन यदि हमें भाग देना पड़ जाए तो किस तरह से, यानी कि इस तरह से आप भाग दे सकते हो आगे, जैसे कि यहाँ पे 200 में 5 का भाग दे सकते हो और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आप आगे चलकर इस तरह से भाग दे सकते हो। लेकिन आपको कुछ और करना हो, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पे भी आपको क्या है 1023 के अंदर 40 का भाग देना है, तो आप डायरेक्ट भाग दे सकते हो, लेकिन 40 का भाग यहाँ पे आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि 40 का भाग देना तो मुश्किल है आपके लिए। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपको केवल 4 का भाग देना है, तो 4 का भाग देना तो आपके लिए ईजी है, तो आप 4 से भाग दे सकते हो। अब वो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर ये लास्ट वाला उदाहरण है, इसका मैं कंप्लीट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे आपने ये किया तो ये तो सही है, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मान लो कि आपको भाग देख के जो रिजल्ट आएगा, जो भाग पल आएगा, वो आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना, भाग देना। तो जैसी जो संख्याएं लिखी हुई है उन्हीं संख्याओं में भाग देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 102 और यहाँ पर 0.3 है, तो 0.3 को भूल जाओ कुछ टाइम के लिए,
यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है, बस हमें यह ध्यान रखना कितनी संख्या छोड़ के एक संख्या पे है ना, और हमें चार का भाग देना, तो हम सीधा यहाँ पे चार का भाग देंगे। चार का भाग देने का तरीका आपको जानते हो, जिसे आप नॉर्मल भाग देते हो वैसे ही हमें यहाँ पे भाग देना है। तो मैं यहाँ पे भाग दे लेता हूँ, यहाँ पे यहाँ तक हमने कर लिया है, यहाँ तक नॉर्मली हम जैसे भाग देते हैं वैसे दे लिया। अब हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप देखो ये हमें यहाँ पे एक पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे एक जीरो उतारेंगे। अब हम फिर से यहाँ पे भाग देंगे, तो यहाँ पे आ चुके हैं हम, इस तरह से हमने भाग दिया। अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर से भाग दे लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे एक जीरो उतार लेते हैं और हम फिर से भाग देंगे। यहाँ पे उतार देता हूँ, पांच बार में जाएगा तो हमें ये मिलेगा यहाँ पर, यानी कि हम चार का भाग 1023 में देंगे तो हमें ये मिलेगा, लेकिन हमें भाग किस में देना था, 102.3 में देना था। तो ये पॉइंट हम कैसे बनाएंगे अभी यहाँ पे, तो ये जो हमने भाग दिया ना इसी को हम चेंज करके लिख देंगे, कैसे, इस तरह से हमने ये पूरी संख्या यहाँ पे उतार ली। अब आप जानते हो सब दो संख्या छोड़ के तो हमारे जो भाग है उसमें से पॉइंट आ गया, एक दशमलव हमारे पास पहले से एक्स्ट्रा है जो बोल रहा है हमें एक संख्या छोड़ना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक संख्या छोड़ देंगे और इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, तो भी ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि इसको हम आगे हल करेंगे, 40 का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, 25.575 हमें ये मिलेगा यहाँ पर, इसको आगे हम भाग देंगे। तो हम इस तरह से भी हम यहाँ पर भाग दे सकते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, हमने यहाँ पे गुणा का तरीका देखा, भाग का तरीका देखा, अब जोड़ और बाकी भी देख लेते छोटे छोटे तरीके से। तो यहाँ पे हम जोड़ देखते हैं, जोड़ के अंदर क्या है, जोड़ और बाकी दोनों सेम तरीके से चलते हैं, लेकिन इसमें हमें एक बात ध्यान में रखना होता है कि हमें दशमलव के नीचे दशमलव ही होना चाहिए, यानी कि दशमलव के नीचे दशमलव ही रखना है, जोड़ करो या बाकी करो दोनों में सेम चलता है। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी संख्याओं का जोड़ करते हैं, यहाँ पे 20.5 प्लस 0.003, हमें मान लो कि ये जोड़ करना है, 20.5 प्लस 0.003, इसका हमें जोड़ करने के बाद हमें क्या मिलेगा, अगर हमें ये जोड़ करना है तो इसका जोड़ करना बहुत आसान है। हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक संख्या को लिख लेना है कोई सी भी, क्योंकि जोड़ के अंदर हमें पहले हमने इसको लिख लिया, तो अब इस संख्या को हम उतारेंगे, तो सबसे पहले इसका पॉइंट हम यहाँ पे उतारेंगे, अब इस संख्या को लिखेंगे, इधर तीन अंक है तो यहाँ पे एक ये और ये आ गया, यहाँ पे 003 हमने यहाँ पे लिख दिया, और इस साइड में क्या है 0 है तो इस साइड में हमने 0 इस तरह से लिख दिया। ध्यान रखना ऐसे ही लिखना, पॉइंट ये जो दशमलव है उसके नीचे क्या लिखना है, हमें दशमलव लिखना है, और हमें नॉर्मली जो भी हमें कहा जाएगा वो हमें करना है, जोड़ना है तो हम बस इसको साधारण तरीके से जोड़ देंगे। अब इनको जोड़ना तो यहाँ पे देखो इसके आगे तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप 0 0 मान सकते हो यहाँ पर। अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव ही आएगा, फिर 0 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, यानी कि इनको जोड़ने पर हमें ये मिलने वाला है। इसी तरह से हमें घटाना भी है, जोड़ना और घटाना एक जैसा चलता है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम यहाँ पे, 2-3 क्वेश्चन करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि हमें ये जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहला तरीका है हमें पहली संख्या को लिखना है, यहाँ पे है दशमलव इनका,
पॉइंट के बाद में 004, फिर इसका पॉइंट हमें यहाँ पे उतारना है और इसके इधर की संख्या लिखेंगे तो यहाँ पे केवल 7 है और इस साइड में यहाँ पे हमें 23 दिख रहा है तो 2 और ये 3 संख्या के नीचे संख्या इस तरह से है ना। अब यहाँ पे तो नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे इनके नीचे तो हम 00 देख सकते हैं यहाँ पर, तो अब हमें इसको जोड़ना है तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, 3, 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा और 2 यहाँ पे ऐसे के ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनको जोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सही यहाँ पे कर लेते हैं इधर 27.94 प्लस 3.12 इस तरह से कर लेते हैं। इनको हमें जोड़ना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27.94, इसके अंदर हमें जोड़ना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे क्या है 1, 2 और इस साइड में हमारे पास यहाँ पे 3 है, हमें इनको जोड़ना है तो हम साधारण तरीके से जोड़ देंगे जिससे कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा तो यहाँ पे 0, एक हाँ एक कैरी जाएगी यहाँ पे हाँ सल में जाएगा एक, तो यहाँ पे आ जाएगा एक, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा और यहाँ पे 7 और 3 10 रो एक 11 हो जाएगा तो यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 31.06। इस तरह से हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। जोड़ना हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि बाकी कैसे करते हैं, घटाना वो भी हम यहाँ पे सीख लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि 7.64 माइनस करना है हमें 4.92, ये हमें यहाँ पे माइनस करना है तो सेम तरीका है, पहली संख्या को हम यहाँ पे लिखेंगे 7.64, पॉइंट के दशमलव के नीचे हम क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, फिर इधर की संख्या 4 है हमने 4 लिख दिया इसकी, यहाँ पे 9 और 2 माइनस करना है तो हमने माइनस करना सीधा, जैसे हम माइनस करते जो 6 में से 2 जाएंगे या ये 4 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। अब यहाँ पे जो 6 में से 9 माइनस करना है, 6 में से 9 माइनस नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक उधार ले लेंगे यहाँ पर, तो कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, 16 में से 9 घटाना है। और दशमलव के नीचे हमें दशमलव यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि 16 में से हमें क्या करना है 9 घटाना है तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे हमने एक उधार दे दिया तो यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास 6 बच गया, 6 में से हमें 4 घटाना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.72। इसी तरह से हम एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि 34.05 और इसमें से हमें माइनस करना है 26.12, ये इसको हमें माइनस करना है तो सेम तरीका यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं तो सबसे पहले तो पहली संख्या को लिखना है यहाँ पे 34.05, माइनस करना है हमें 26, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए 1, 2 यहाँ पे है इसका दशमलव इधर और इसका दशमलव यहाँ पे, इनको हमें क्या करना है माइनस करना है तो यहाँ पे सीधा हमें माइनस करना है, नॉर्मली 5 में से हमें 2 घटाना है 3 आएगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे केवल 0 है, 0 में से 1 नहीं घटेगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1 यहाँ पे ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 1 घटाना तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, जैसे यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव लगाया वैसे यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव लगाना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 4 थे, 1 इसके पास से लगाया तो अब हमारे पास कितने हो गए 3 हो गए, 3 में से हमें क्या करना है 6 घटाना है तो 3 में से 6 नहीं घटा सकते तो हम यहाँ क्या करेंगे 3 से 1 इसको दे देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो अब हमारे पास कितना हो गया 13 और हमें इसमें से ये 6 हमें यहाँ से घटाना है तो हमें इस बार क्या करना है 13 में से 6 घटाना है, हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 3 में से 1 तो इधर चला गया था 4 की तरफ,
तो यहाँ पे हमारे पास कितने हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो दो में से ये दो जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7.93 हमारे पास ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये जो किया है इसको मैंने यहाँ पे किया और इसको मैंने यहाँ पे किया। तो घटाने का तरीका भी सेम है, बस पॉइंट के नीचे में पॉइंट रखना है, बाकी नॉर्मल जैसे हम बाकी करते हैं वैसे ही करना है। तो हमने ये कर लिया। अब हम भिन्न और मिश्र भिन्न को समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ मिश्र भिन्न क्या होते हैं, क्योंकि भिन्न को तो आप जानते हो, बटे हुए में जो संख्या लिखी होती है उसी को भिन्न कहते हैं। अब मिश्र भिन्न को समझते हैं, फिर उनका जोड़ और बाकी समझेंगे। मिश्र भिन्न वो संख्या होती है, जैसे कि हम कोई भी एक संख्या लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि 2 से 1/3 है, तो ये मिश्र भिन्न है। भिन्न मिश्र भिन्न क्यों है, क्योंकि एक तो इसमें कंप्लीट संख्या दी हुई है 2, और यहाँ पे भिन्न संख्या भी दी हुई है 1/3, तो इसलिए दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। इनको पढ़ने का तरीका क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसको किस तरह से पढ़ते हैं। दो सही 1/3, क्योंकि ये 1/3 है तो 1/3 ही लिखेंगे इसको। ये जो 2 लिखा हो इसको, ये आगे लिखा हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2 सही 1/3। अब इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं, जैसे और भी संख्याएं लिख देते हैं हम यहाँ पे। पाँच से 2/3 और भी सही, और भी लिखते हैं इसको क्या पढ़ेंगे, 5 सही 2/3 और भी संख्या लेते हैं हम यहाँ पे। 4 सही 6/7। तो इस तरह की जो संख्या होती है वो होती है मिश्र भिन्न संख्याएं। अब मिश्र भिन्न संख्याएं को किस तरह से हम भिन्न संख्याओं में बदलते हैं वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये संख्याएं, ये जो संख्या है ये क्या है, मिश्र भिन्न है। इसको हम कौन सी संख्या में बदलेंगे, भिन्न संख्या में। तो भिन्न संख्या में बदलने का तरीका क्या है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इनको हम क्या करेंगे, गुणा, और फिर ऊपर वाले को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 गुणा 3 करेंगे और फिर इसके अंदर जोड़ देंगे, कौन सी जोड़ देंगे, जो ऊपर लिखा हुआ 1, और नीचे की संख्या को ऐसे कैसे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 गुणा 3 कितने हो जाएंगे, 6, और 1 ये कितना हो जाएगा, 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/3। तो ये जो संख्या है हमारे पास, इस संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं। 2 से 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/3 लिख सकते हैं। इसी तरह से इस संख्या को हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 5 गुणा 3, फिर इसमें हमें जोड़ना है, क्या जोड़ना, ऊपर वाली संख्या, और नीचे क्या आएगा, जो भी नीचे की संख्या वो ऐसे कैसे आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 गुणा 3 कितने हो जाएंगे, 15, और प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 17/3। इसी तरह से लास्ट वाली संख्या को भी हम कर सकते हैं यहाँ पे, ये दोनों को गुणा करेंगे हम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 4 गुणा 7, और फिर ऊपर वाली संख्या को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, और नीचे वाली संख्या ऐसे के ऐसे हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 7 चौक 28 + 6, तो हमारे पास हो जाएंगे 34/7 आ जाएगा। इसको हम करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 34/7। तो ये तो है इनको भिन्न में बदलने का तरीका, ये थी मिश्र भिन्न। इस तरह से इसको हमने क्या कर दिया, भिन्न में बदल दिया, यानी कि इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो 5 सही 2/3 है इसको हम 17/3 लिख सकते हैं। 4 सही 6/7 है इसको हम लिख सकते हैं 34/7। अब ये जो इस तरह से लिखी हुई है इसका एक और अलग मतलब होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 2 सही 1/3, इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 + 1/3। मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी चिन्ह नहीं होता है बीच में तो वहाँ पे होता है गुणा का चिन्ह, लेकिन ये संख्याएं ऐसी है जिनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो वहाँ पे होता है प्लस का चिन्ह। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी तरह से ये जो संख्या है इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 5 + 1/2/3, यानी कि बीच में बस प्लस का चिन्ह लगाना। इस तरह से हम इस संख्याओं को लिख सकते हैं। जो लास्ट वाली संख्या है इसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 4 + 6/7। इस तरह से हम इन संख्याओं को लिख सकते हैं। तो इनका क्या महत्व है ऐसे लिखने का, अभी हम समझेंगे आगे। तो इनको मैं मिटा देता हूँ, ये हो गए भिन्न भी हो गई, मिश्र भिन्न भी हो गई, क्योंकि इस तरह से होती है भिन्न, ये जो संख्या है बटे हुए में ये होती है भिन्न, और इस तरह से जो लिखी हुई थी वो होती है मिश्र भिन्न, और
मिश्र बिन संख्याओं को भिन्न संख्याओं में हम बदल सकते हैं, ये हमने देख लिया किस तरह से हम बदलते हैं, और इनको हम लिखने का तरीका अलग तरीके से भी हमने इसको लिखना देख लिया। अब हमारे पास कभी कभार ये संख्या आ जाती है, जब क्वेश्चन को सॉल्व करें और हमें ये मिलता है और ऑप्शन के अंदर ये न हो और ये हो जाए, तो हमें कैसे पता चलेगा इस संख्या को हम इस संख्या में कैसे बदलेंगे, हमें ये भी आना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, भिन्न संख्या को मिश्र भिन्न संख्या में बदलना भी आना चाहिए, तो वो सीख लेते हैं। अब हम इन्हीं को सीखते हैं हम वापस, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ इनको, 7/3 है ये जो हमें मिला है, 17/3 है, और ये जो मिला हमें लास्ट वाला 34/7 मिला है, तो यहाँ से मिटा देता हूँ मैं इसको। ये संख्या है, इस संख्या को हमने इस तरह से बदल दिया 7/3। अब 7/3 को हम इस संख्या में कैसे बदलेंगे वो सीखते हैं यहाँ पे, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा पेपरों के अंदर ऑप्शन इस संख्याओं के अंदर आता है और हम जो हल करते हैं वो इस संख्याओं के अंदर आ जाता है, तो हमें बदलना भी आना चाहिए। तो हम यहाँ पर सीखेंगे मिश्र भिन्न संख्याओं को मिश्र भिन्न संख्या में बदलना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। तो सबसे पहले हम इसको बदल के देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ कि 7 में 3 का भाग देना, तो 7 में हमें क्या करना, 3 का भाग देना, 3 का भाग देंगे तो यहाँ पे 2 बार में आ जाएगी और यहाँ पे 1 बच गया है शेष पर, तो ये तो जो संख्या है वो क्या है, भाजक, ये क्या है, भागफल, और ये जो नीचे आया वो क्या है, शेषफल। भाजक, भागफल, शेषफल, और इसको हम बोलते हैं भाज्य। तो इन संख्याओं को जो हमें यहाँ पे मिला है इन्हीं से हम इन संख्याओं को लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या है, भागफल और यहाँ पे आ जाएगा शेषफल, बटेवा भाजक, इस तरह से हम लिखते हैं। भाग देने के बाद हमें जो ये जो फॉर्मेट मिला इसको हमें इस तरह से लिखना है, वही होती है मिश्र भिन्न। जैसे कि इस संख्या के लिए हम लिखें 7/3, 7/3 के लिए लिखेंगे तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, भागफल, भागफल कितना आ रहा है हमारे पास, इस साइड में जो भी आएगा वो क्या है, भागफल है, कितना आया, 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। फिर ऊपर क्या लिखेंगे, शेषफल, तो यहाँ पे देखो शेषफल कहाँ पे आता है, नीचे, तो नीचे वाली संख्या को हमें क्या लिखना, ऊपर लिखना, हमने भाग किससे दिया है, भाजक से, भाजक से, तो ये भाजक है 3, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे नीचे कि हमने भाग दिया है 3 से, तो आप देख सकते हो वापस हमें क्या मिल गया, 2 से 1/3, तो यहाँ पर 2 से 1/3 मिल गया, यानी कि 1/7 को 2 से 1/3 में हमने बदल दिया वापस। इसी तरह से इसको भी बदल सकते हैं, तो यहाँ पर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप कि हमने इसको इसमें किस तरह से लिखना है, ये लिखने का तरीका है ये पता होना चाहिए बस। अब मैं यहाँ पे इसको बदल के दिखाता हूँ, यहाँ पे इसको बदल रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि 17/3 है, इसको हम इस रूप में कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 17 में 3 का भाग देना है, तो 17 के अंदर 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 बार जाएगा, 15 बार, तो कितना बचेगा, शेषफल 2 बच गया। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, सबसे पहले तो हमें भागफल को लिखना है, तो भागफल आएगा यहाँ पे 5, फिर शेषफल को लिखना ऊपर, तो इस शेषफल को हमने ऊपर लिख दिया, किससे भाग दिया हमने, 3 से भाग दिया, तो आप देख सकते हो वापस कितने आ गए हमारे पास, 5 से 2/3 आ गया। इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिखते हैं हम यहाँ पर, तो थोड़ा सा मिटा लेता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 34 के अंदर भाग देना 7 से, क्योंकि भाग देना 7 से 34 के अंदर, तो यहाँ पे कितना बार जाएगा, 7 का 4 बार जाएगा, 28 हमें यहाँ से घटाना है, तो कितने बचेंगे हमारे पास, 6 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हम किस तरह से लिखेंगे,
कितनी बार भाग गया हमारे पास, 4 बार भाग गया, शेषफल 6, और भाग किससे दिया हमने, 7 से। तो आप देख सकते हो हमें वापस यही संख्या मिल गई, यानी कि इस संख्या को हम इस संख्या में बदल सकते हैं और इस संख्या को वापस इस संख्या में बदल सकते हैं। कैसे, इन दोनों को गुणा करना, ये जोड़ना, तो वापस कितना आ जाएगा हमारे पास, 34/7। तो ये तो हो गया बदलना, मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलना और भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, ये हमने यहाँ पे सीखा है। अब इनके बाद इनका जोड़ बाकी गुणा भाग ये हम यहाँ पे सीखते हैं, तो इनको हम यहाँ पे मिटा देते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे गुणा, गुणा कैसे करना है। गुणा करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जैसे कि हमें यहाँ पे दे दिया जाए 3/2 गुणा 5/4। तो गुणा के अंदर क्या होता है, ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से गुणा होती है, नीचे वाली संख्या नीचे वाली से गुणा होती है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 × 5 और 2 × 4, तो हमें यहाँ पे ऊपर तो मिल जाएगा यहाँ पे 15 और नीचे मिल जाएगा हमें 8। इस तरह से हम करते हैं गुणा, ऊपर वाले से नीचे वाले, नीचे वाले से। अब यहाँ पे इस तरह से आ जाए कि 2 को गुणा कीजिए 4/5 से, इसको कैसे गुणा करेंगे, यहाँ पे तो अकेली संख्या रह गई और यहाँ पे बटे हुए में आ गई। तो हम इसको भी इसी तरह से करेंगे कि नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 1 ले सकते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2/1 गुणा 4/5। सेम तरीका, ऊपर वाली से गुणा होगी, नीचे वाली से गुणा होगी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 8, नीचे आ जाएगा 5। इस तरह से और भी अलग तरीके से आ सकती है संख्याएं, जैसे कि 4/3 गुणा 2 से 1/3 इस तरह से आ जाए। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए देखो 4/3 तो ऐसे कैसे आ गए, इसको हमें चेंज करना है, मिश्र भिन्न है तो इसको भिन्न में बदलना तभी गुणा होगी। तो भिन्न में कैसे बदलेंगे, 3 को 2 को गुणा करके 1 जोड़ेंगे, तो 3 × 2 कितना हो जाएंगे, 6, और 1 ऊपर से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और बटे में कितना आ रहा है, 3, इससे कैसे आ जाएगा। गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4 × 7 ऊपर तो ये हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 3 × 3, ये दोनों गुणा हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28/9 इस तरह से। तो इस तरह से मिश्र भिन्न में भी आ सकती है संख्याएं, इस तरह से एक संख्या पे बटेवा जाए, एक पे बटेवा ना आए, इस तरह से आ सकती है, दोनों संख्याएं भिन्न संख्याओं के रूप में हो सकती है। तो ये है गुणा करने का तरीका, ऊपर वाली से नीचे वाली से होती है गुणा। अब हम भाग देखते हैं कि भाग कैसे करना है। भाग करने का तरीका बहुत आसान है, भाग को हम गुणा में बदल सकते हैं। देखो कैसे बदलना है, एक बटा चार के अंदर हमें भाग देना है किसका, 1/2 का हमें भाग देना। तो भाग को आप हटा के गुणा का चिन्ह लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना, संख्या को घुमाना पड़ेगा। किस तरह से घुमाना, देखो यहाँ पे 1/4 तो इससे कैसे आ जाएगी, भाग किसका दे रहे हैं, इसका भाग दे रहे हैं, इसका भाग दे रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, घुमा के लिख देंगे, और चिन्ह कर दिया हमने गुणा का, और इसको घुमा के लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको मैंने क्या कर दिया, घुमा दिया। तो यहाँ पे आप अब इनको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 × 2, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 × 1, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2/4। इस तरह से हम भाग दे सकते हैं। और भी हम करते हैं आगे, तो सात बटे व तीन, इसके अंदर हमें भाग देना 2 से 1/7, इसका हमें भाग देना है। तो आप जानते हो हम डायरेक्ट भाग नहीं दे सकते, सबसे पहले क्या करना है, ये मिश्र भिन्न है इसको भिन्न में बदलना पड़ेगा, फिर ही हम भाग दे सकते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7/3 को तो ऐसे कैसे लिख देंगे, हमें क्या करना है यहाँ पे भाग देना है, तो भाग का चिन्ह लगा दिया मैंने वापस। अब इसको आसान तरीके से लिखना है, यानी कि भिन्न में लिखना है, मिश्र भिन्न है तो भिन्न में लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 7 × 2 कितने हो जाएंगे, 14, और ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो 7 + 2 कितने हो गए, 14, और 1 = 15।
ये हो जाएंगे हमारे पास 15/7। इस तरह से हो गया। अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, भाग का जीरो हटाएंगे तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे इनको, तो ये क्या हो जाएगा इस तरह से 7/3 × 7/17, इस तरह से हो जाएगा ये। तो अब इनको गुणा करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 × 7 और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा 3 × 17। तो हम इसको आगे इस तरह से लिख सकते हैं, 7 को 7 को गुणा करेंगे तो 49 और 3 और 17 गुणा करेंगे तो 51, इस तरह से आ जाएगा। और भी हम अलग उदाहरण भी ले सकते हैं, और इसके अंदर हमें भाग देना है, इसका भाग देना है, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम है मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों गुणा होंगे, 2 × 1 कितना आ जाएगा 2 आएगा, और 1 को ऊपर से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2। भाग का चिन्ह है तो हम वापस भाग का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे इसको करेंगे तो 2 और 2 गुणा होंगे तो कितने आ जाएंगे 4, और ऊपर से ये 3 जोड़ेंगे तो 4 × 3 कितने आ जाएंगे 7/2। अब भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह हटाना तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा का चिन्ह करना पड़ेगा। तो गुणा का चिन्ह करेंगे तो इस संख्या को हमें क्या करना, घुमा के लिखना पड़ेगा, यानी कि 2/7, इस तरह से। अब यहाँ भी देख सकते हो आप, ऊपर तो क्या आ जाएगा, ऊपर ऊपर वाली संख्या गुणा होगी तो 6 आ जाएगा, और नीचे नीचे वाली गुणा होगी तो कितना हो जाएंगे 14 हो जाएगा, इस तरह से। तो 6/14 आ जाएगा। तो ये हमने सीखा यहाँ पे भाग, तो हमने सबसे पहले गुणा सीखा, अब भाग सीखा, अब जोड़ और बाकी हम यहाँ पे सीखते हैं। जोड़ और बाकी दोनों का तरीका सेम है। जोड़ और हमें यहाँ पे घटाना सीखना है, जैसे कि 1/2 है प्लस 3/4 है, इनको हम कैसे जोड़ेंगे। तो जोड़ने का तरीका है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम लेने का मतलब है कि हमें इस तरह से एक लाइन बनाना है और यहाँ पे एक संख्या लिखना है, एक ऐसी संख्या लिखना है जिसके अंदर इन दोनों का, यानी कि नीचे की जो जितनी भी संख्याएं हैं उन सबका भाग जाना चाहिए, यानी कि हमें लघुत्तम लेना है। यहाँ पर 2 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4। लघुत्तम कैसे लेते हैं एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, नीचे वाली संख्याओं को यहाँ पे लिखना है, जैसे कि यहाँ पे 2 और 4, इनको हमने यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले यहाँ पे वो संख्या देखना आपको जिससे इसमें भाग दे सके, जैसे कि हम 2 का भाग दे सकते हैं तो हम यहाँ पे 2 लेंगे। अब 2 का भाग 2 में देंगे तो कितना आएगा 1 बार, 2 का भाग 2 में 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार। अब फिर हम यहाँ पे वो संख्या लेंगे, 1 नहीं लेना कभी भी, 1 से बड़ी संख्या है लेना, तो 2 ले सकते हैं, फिर इसे 2 का भाग जाएगा तो इसमें नहीं जा रहा, तो इसको तो वापस ऐसे कैसे लिख देना, इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा 1, और जब भी 1 1 आ जाए भाग खत्म हो जाएगा। तो इधर कितनी आए हमारे पास 2 और 2, तो इनको गुणा कर लेंगे 2 और 2 तो कितने आ गए 4, इस तरह से लघुत्तम लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना आपको, इस तरह से आपको सीधा ये देखना कि कौन सी संख्या में भाग जाता है। 4 है, 4 के अंदर 4 का भाग जाता है, 4 के अंदर 2 का भी भाग जाता है, इसका मतलब हमने यहाँ पे 4 ले लिया। हम केवल ऐसे ही सोचना है सर। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो वाली संख्या है इसका इसमें क्या करना है, भाग देना, क्या करना है भाग देना है। तो भाग देते हैं यहाँ पर 4 4 के अंदर हम क्या करेंगे 2 का भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे 2 बार, पूरा पूरा भाग जाएगा हमेशा। तो ये जो संख्या आएगी इसको ऊपर वाली में क्या करना है, गुणा करना है, क्या करना है गुणा करना है। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आएगा, गुणा करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसको यहाँ पे लिखना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। फिर यहाँ पे जो भी चिन्ह है वो यहाँ पे लगाना है हमें, या तो जोड़ का होगा या बाकी का होगा, क्योंकि और चिन्ह तो होगा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह था तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इस साइड भी करेंगे तो सेम तरीका, इसका इसमें भाग देना, नीचे वाले का क्या करेंगे भाग देंगे, क्या करना भाग देना, भाग तो यहाँ पे भाग देते थे, 4 के अंदर 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 को क्या करना ऊपर वाली से गुणा करना, क्या करना है यहाँ पे गुणा करना है। गुणा करेंगे तो 1 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 ही आएगा, तो 3 को हम यहाँ पे लिख देंगे, बस हो गया हमारा इसका जोड़। ऊपर क्या आ गया 2 + 3, 2 + 3 करेंगे तो कितना आएगा 5, और नीचे कितना आ रहा है 4, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 5/4, इस तरह से हम यहाँ इसको करते हैं। अब और भी उदाहरण देता हूँ मैं यहाँ पे इनके अलावा,
इसको जो हमें जोड़ना है, इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, मिश्र बिन संख्या दिख रही है, तो मिश्र बिन को भिन्न में बदलना, उसके बाद ही हम इसको जोड़ सकते हैं। या तो ऐसे करें, मिश्र बिन को क्या करना है, भिन्न में बदलना। यह दूसरा तरीका क्या है, हम इनके बीच में जोड़ का चिन्ह लगा लें और फिर भी हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से करते हैं। सबसे पहले पहला तरीका देखो, हम इसको क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो ये दोनों गुणा होंगी, नीचे वाली और ये, तो तीन एकम तीन, तीन और ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, पाँच हो जाएगा, क्योंकि दो को जोड़ते ही क्या हो जाएगा, पाँच, और नीचे कितना आ जाएगा, तीन, फिर प्लस चार बटेवा पाँच प्लस एक बटेवा छः। अब हमें यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेना है जिसमें तीन का भी भाग जाए, पाँच का भी भाग जाए और छः का भी भाग जाए, सबका भाग जाना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो ऐसी संख्या हमारे पास कितनी, तीस। तीस के अंदर तीन का भाग जाएगा, तीस के अंदर पाँच का भाग जाएगा, तीस के अंदर छः का भी भाग जाएगा। अब तरीका क्या है, नीचे वाली संख्या का इसमें क्या करना, भाग देना। तो तीस के अंदर हमें क्या करना, तीन का भाग देना, कितना आया हमारे पास, दस। ये जो दस आया इसको ऊपर वाली से गुणा करना है, तो दस को पाँच से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, पचास। तो ये पचास हमें यहाँ पर लिखना है, फिर इसके बाद में जो भी चिन्ह है उसको यहाँ पर उतारना है, फिर इसका नंबर आएगा, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, पाँच है तो पाँच का भाग देंगे, तीस के अंदर हम क्या करेंगे, पाँच का भाग देंगे, कितना आया, छः। ये जो छः आया उसको क्या करेंगे, ऊपर वाली से गुणा करेंगे, तो छः को चार से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, चौबीस आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम चौबीस, फिर यहाँ पे जो भी चिन्ह वो उतार देंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह उतार देंगे, या तो प्लस का चिन्ह होगा या माइनस का चिन्ह होगा, केवल दो ही प्रकार के चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे हमने प्लस उतार दिया। अब इसके बाद में क्या करना, छः है तो छः का भाग देंगे, इसके अंदर तीस के अंदर हम भाग देंगे छः का, कितनी बार जाएगा, पाँच बार। तो पाँच को किससे गुणा करेंगे, ऊपर वाली से, तो पाँच को एक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे पाँच ही आ जाएगा। अब इनको क्या करना है, ऊपर वाली को केवल जोड़ना है, तो जोड़ के लिख देते हैं हम यहाँ पे, तो इनको यहाँ पे क्या करना है, हमें जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो जोड़ने से हमें ये मिल जाएगा यहाँ पर। तो हमने इसको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हमें ये मिल चुका है यहाँ पर। इसी तरह से हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हमने इसको क्या कर दिया, मिश्र बिन को भिन्न में बदला, बिना बदले भी हम कर सकते हैं। बिना बदले कैसे करेंगे, हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक से ही दो बटेवा तीन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक प्लस दो बटेवा तीन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक प्लस दो बटेवा तीन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखेंगे, तो एक के नीचे कुछ नहीं है तो एक ले लेंगे, प्लस दो बटे व तीन लिख देंगे यहाँ पे। तो ये बात है, एक से ही दो बटे व तीन को मैंने क्या लिख दिया, एक बटे व एक प्लस दो बटे व तीन। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं और एक के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने यहाँ पे एक ले लिया, बाकी संख्याओं को ऐसे कैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चार बटे व पाँच और एक बटे व छः, वही सेम तरीके से लघुतम लेना है। लघुतम इस बार भी तीस ही आएगा, क्योंकि तीस के अंदर हम एक का भाग दे सकते हैं, तीस के अंदर तीन का, पाँच का, छः का, सबका भाग हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो सबसे पहले एक का भाग देंगे, तीस के अंदर हम एक का भाग देंगे तो कितना आएगा, तीस। तीस को ऊपर वाले से गुणा करना है, यानी कि तीस को एक से गुणा करना है, तो कितना आएगा, तीस ही आएगा। फिर प्लस का चिन्ह आएगा, फिर ये तीन है, तीन का भाग देंगे यहाँ पर, तीस के अंदर तीन का भाग देंगे तो कितना आएगा, दस। इस दस को ऊपर वाले से गुणा करना है, यानी कि दस को दो से गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा, बीस आ जाएगा प्लस। फिर पाँच का नंबर आएगा यहाँ पे, तो तीस के अंदर हमें पाँच से भाग देना, छः बार जाएगा, छः को ऊपर वाले से गुणा करना है, यानी कि छः को चार से गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा, चौबीस। ये जो चिन्ह है यहाँ पर उतार दिया। अब छः से भाग देंगे हम यहाँ पर, तो तीस के अंदर छः से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, पाँच बार। तो इस पाँच को हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो ये पाँच और ऊपर एक, पाँच गुणा एक कितना आएगा, पाँच ही आएगा। अब इनको जोड़ के हमें लिखना है बस, तो यहाँ पे देखो इनको जोड़ेंगे तो वापस कितना आ जाएगा, 79 और बटे में कितना आ जाएगा, 30। तो जोड़ देंगे तो भी सेम आएगा। तो हम इसको इस तरह से बदल के करें या फिर इसको अलग करके करें, आंसर तो सेम ही आना है। तो जैसे हमने जोड़ा वैसे हमें घटाना है। यदि माइनस का चिन्ह होता तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं, एक दो क्वेश्चन, ताकि समझ में आ जाए।
अब हम घटाना सीख रहे हैं इनका, तो जैसे कि चार, चार से 2/5 है, इसमें से हमें माइनस करना है 1/5, 4 से 1/5 हमें माइनस करना है। तो दो तरीके से कर सकते हैं इनको माइनस। सबसे पहले तो ये जो भिन्न है इसको बदलना है, मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलना है, उस तरीके से कर सकते हैं, या हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाकर कर सकते हैं। दोनों बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलना बता देता हूँ। तो यहाँ पे बदलेंगे तो क्या होगा, 4 और 5 क्या होगा, गुणा होगा। तो 4 और 5 गुणा होंगे तो कितने हो जाएंगे, 20, और ये 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 22/5। फिर माइनस करना है हमें, 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21/5। अब लघुतम लेना है तो आसानी से लघुतम आ जाएगा इसको, तो 5, क्योंकि 5 के अंदर इसका भी भाग जाता है और 5 के अंदर इसका भी भाग जाता है, क्योंकि 5 में तो 5 का भाग जाएगा ऐसे ही। तो इसके लिए करेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले इस 5 को उतारेंगे और इस 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 1। 1 को ऊपर वाले से गुणा करेंगे, यानी कि 1 को 22 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 2, ये 22 ही आ जाएगा। जैसे जोड़ में किया वैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। चिन्ह माइनस का तो बस केवल यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना है। अब यहाँ पे फिर से 5 में 5 का भाग देना, तो 5 5 का भाग दिया तो कितना आया, 1। 1 को हमें क्या करना है, 21 से गुणा करना पड़ेगा, तो 1 को 21 से गुणा करेंगे तो 21 ही आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 22 में से 21 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 1/5। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा के कर लें। प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पर 4 प्लस 2/5, फिर माइनस से, तो माइनस से तो यहाँ पे चिन्ह हटाएंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे इसको, इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पूरी संख्या माइनस की है। तो हम इस पूरी संख्या को हम थोड़ा सा अलग करके लिख रहे हैं, तो पूरी संख्या का कोष्टक लगा के लिखेंगे क्योंकि ये माइनस है, अंदर जाएगा तो प्रॉब्लम कर देगा फिर। तो इस अब इसको आगे हम कैसे करेंगे, 4 माइनस 2/5 में मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए था, 4/1 लिखना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये माइनस से ही 4 माइनस का हो जाएगा और ये कैंसिल कर देगा इसको। तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का 4, क्योंकि इसके साथ जाएगा तो माइनस का 4, इसके साथ भी जाएगा तो माइनस का 1/5। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कोष्टक आ रहा है और बीच में कोई चिन्ह नहीं है, माइनस के और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है, गुणा का चिन्ह है। गुणा का चिन्ह है तो माइनस गुणा, ये प्लस की संख्या है, इसका मतलब प्लस, माइनस प्लस जब भी गुणा होता है क्या आता है, माइनस, इसका मतलब ये 4 किस में आएगा, माइनस में आएगा। सेम तरीका यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, माइनस, और इधर की संख्या क्या है, प्लस की संख्या, तो माइनस गुणा प्लस, 1/5 का प्लस यहाँ पे आया तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, तो 1/5 भी यहाँ पे किस में आएगा, माइनस के चिन्ह में आएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये माइनस का, सॉरी यहाँ पे प्लस का चिन्ह बताया तो ये तो प्लस का ही आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये माइनस का, ये प्लस का 4, माइनस का 4 प्लस का 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये दोनों तो कट चुके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/5 माइनस 1/5। लघुतम लेंगे इसका तो लघुतम तो 5 ही आएगा, और सेम तरीका 5 में 5 का भाग देंगे, 5 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। 1 को ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस, फिर यहाँ पे 5 का भाग देंगे, 5 में इस 5 का भाग दिया तो कितना आया, 1 आ गया। 1 को ऊपर वाले से गुणा करेंगे, यानी कि 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/5। तो इस तरह से हमारे पास इस बार भी कितना आया, 1/5, और ऐसे किया तो भी हमारे पास कितना आया, 1/5। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि इतना लंबा करना पड़ रहा है, इतना लंबा नहीं करना पड़ रहा है। अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चनों को ज़्यादा सोल्व करेंगे तो हम यहाँ पर भी काट सकते हैं, इससे इसको हटाएंगे और यहाँ पर डायरेक्ट हम 1/5 लिख सकते हैं। तो और भी कुछ एक एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये करना है हमें, यहाँ पे माइनस भी है प्लस भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एक ऐसी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ऐसी संख्या लिखना है जो इन सब संख्याओं से भाग जाता हो। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया 12, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 12 लिख दिया। 12 के अंदर 4 से भी भाग जाता है, 12 के अंदर 2 से भाग जाता है, 12 के अंदर 6 से भी भाग जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 12। सबसे पहले हम 4 से करेंगे तो 12 के अंदर हमें क्या करना है, 4 का भाग देना है तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, यानी कि 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे, 6। जो भी चिन्ह यहाँ पर उतार देना। अब यहाँ पर 2 का नंबर आएगा तो 12 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा,
6 बार। 6 को हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी चिन्ह है उसको यहाँ पे उतार देना है। प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह हमने यहाँ पे उतार दिया। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें ये जोड़ना है 1/6, यानी कि यहाँ पे 6 है तो 6 का भाग देंगे तो 12, 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, यानी कि 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से। अब इनको हम करेंगे आगे जोड़ना है और बाकी करना है, यानी कि 6 तो यहाँ पे क्या है, प्लस, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है, यानी कि प्लस का 6 और प्लस का 2 कितने हो गए, प्लस का 8। तो प्लस का 8 हो गया यहाँ पे, तो और माइनस करना है 18/12। अब आप जानते हो मैंने बताया था, अब घटाने के लिए क्या करना है, कोई भी बड़ी संख्या में से एक छोटी संख्या को घटाना है, यानी कि 18 में से हमें 8 घटाना है तो कितने आएगा, 10 आएगा। बड़ी संख्या पे कौन सा चिन्ह है, यहाँ पे बड़ी संख्या पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, और नीचे 12 है तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 10/12 आएगा। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। तो आज हमने क्या संख्या, भिन्न संख्याएँ सीखी, मिश्र भिन्न संख्याएँ, उनका जोड़ घटाना और दशमलव संख्याओं के बारे में सीखा। अब हमें सीखना अगला जो वीडियो आएगा, D3 जो तीसरा वीडियो आएगा, उसके अंदर हम क्या सीखेंगे, घात सीखेंगे। ये आज हम घात नहीं कर पाए, तो कल का जो वीडियो होगा उसके अंदर हम घात करेंगे, बोर्ड मास करेंगे, यानी कि सरलीकरण जिसको हम कहते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे, हर का प्रमेयकरण सीखेंगे, और भी कई सारे क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। कल हम क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे क्योंकि कल क्वेश्चनों का, क्योंकि घात के अंदर भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड मास पे भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो क्वेश्चन हम कल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।